वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क डिज़ाइन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा एफर्ट, सबसे ज़्यादा प्लानिंग हमें नेटवर्क डिज़ाइन के ऊपर करनी चाहिए। अगर नेटवर्क डिज़ाइन अच्छा है तो आगे चल के वो हमारा नेटवर्क रिलायबल भी होगा, सर्विस 24/7 भी प्रोवाइड करेगा, ट्रबल शूटिंग कम से कम होगी और हमारा टाइम भी सेव होगा, हमारी इफ़िशेंसी भी बढ़ेगी। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क डिज़ाइन, कि हम नेटवर्क को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। हायरार्किकल नेटवर्क्स, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि स्केल क्या होता है नेटवर्क में। स्केलिंग ऑफ नेटवर्क ये कहलाता है कि आज हमारे 300 यूज़र्स काम कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। कल हमारे यूज़र्स बढ़ के 300 से 1000 हो जाएंगे। जब हमारे यूज़र 300 से 1000 हो जाएंगे, इसको स्केल कहते हैं, स्केलेबिलिटी कहते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर हमारा नेटवर्क, हमारा हार्डवेयर, हमारा स्विच, हमारा सर्वर कैसे बिहेव करेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो उनका नेटवर्क स्केल हो और सपोर्ट करे। कन्वर्ज नेटवर्क ट्रैफिक, यानी हर किस्म की ट्रैफिक वो सपोर्ट करे। उसमें वॉइस ओवर आईपी आ गया, डाटा आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, हर एप्लीकेशन को सपोर्ट करे। और जो बिजनेस की नीड्स है कि 24/7 चले, रिस्पॉन्सिव हो, उस तरीके से वो हमें अचीव हो। और आखिरी जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज तरीके से हम सारे नेटवर्क को मैनेज कर सकें। हमारा जो कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन है, इंक्लूड स्मॉल नेटवर्क, यूज़ अ सिंगल लैन स्विच अप टू वेरी लार्ज नेटवर्क विथ थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस, थाउजेंड ऑफ कनेक्शन हो सकते हैं। बॉर्डरलेस स्विच नेटवर्क्स, सिस्को बॉर्डरलेस नेटवर्क इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर, कनेक्ट एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस सिक्योरली, रिलायबली एंड सीमलेसली। यानी एक ऐसा सिस्को बॉर्डरलेस नेटवर्क है कि कोई भी बंदा कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से, बेशक वो स्मार्टफोन है, टेबलेट्स है, लैपटॉप्स है, पीसी है, कहीं से भी वो कनेक्ट हो सिक्योरली, ठीक है, और रिलायबली कनेक्ट हो। ये नहीं हो कभी डिसकनेक्ट हो गया, कभी कनेक्ट हो गया, और सीमलेसली, उसको बिल्कुल उसमें फ़र्क ना हो कि मैं एक्सेस पॉइंट के थ्रू नेटवर्क को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या मैं केबल के साथ करता हूँ तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रिमोट करता हूँ तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लैन के अंदर करता हूँ तो परफॉर्मेंस अच्छी है। इन सब से उसको बिल्कुल भी सीमलेसली बिल्कुल पता ना चले, इसको कहते हैं बॉर्डरलेस नेटवर्क। बॉर्डरलेस स्विच नेटवर्क आर हायरार्किकल, मॉड्यूलर, रेजिलेंट एंड फ्लेक्सिबल। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होता है, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर लार्ज कैंपस है, ठीक है, हमारे डाटा सेंटर्स मौजूद हैं, सर्विस है यहाँ पे, और ये यहाँ पर इंटरनेट एज है यहाँ पर, और ये वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हुए उसके मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के कैंपस, स्मॉल कैंपस, उनके डाटा वो सारे आपस में कनेक्ट है, और इंटरनेट के दो दो कनेक्शंस लिए हैं ताकि आसानी के साथ हाई बैंडविड्थ अवेलेबल हो सके और काम हो सके। हायरार्किकल इन द बॉर्डरलेस स्विच नेटवर्क्स, हायरार्किकल नेटवर्क यूज्ड टायर डिज़ाइन ऑफ एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर। अब हमें इन तीन चीज़ों को समझना चाहिए कि एक्सेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर क्या होता है। टू टायर में देखें, एक्सेस स्विच, ये हमारे एक्सेस स्विच है। एक्सेस स्विच वो होता है जिनके साथ एंड डिवाइसेस अटैच हो जाए, ये नीचे हमारी एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस में पीसी, लैपटॉप्स, तमाम सिस्टम आ जाते हैं और वो सारे एक्सेस स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। ये सारे एक्सेस स्विच है और ये एक्सेस स्विच जो है वो कनेक्ट होता है कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर। अब ये जो स्विच है ये कोर का भी काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड का भी काम करते हैं। उससे आगे ये फायरवॉल्स हैं और दो इंटरनेट कनेक्शंस लिए हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ताकि फॉल्ट टॉलरेंस हो जाए, कोई एक नेटवर्क डाउन हो या एक इंटरनेट डाउन हो तो पता ना चले, सीमलेसली वो दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए और एंड यूज़र को बिल्कुल, इस यूज़र को बिल्कुल एहसास ना हो कि जो सर्विस है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। टू टायर के अंदर कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एक ही काम करते हैं। अब थ्री टायर में क्या होता है कि एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ कनेक्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड कोर के साथ,
और ये आपस में एक हाई स्पीड नेटवर्क के साथ, हाई स्पीड लिंक के साथ कनेक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होगी, यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम है और वहाँ जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ कॉस्ट इंक्रीज क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच अलग लगाए हैं, उसकी अलग कॉस्ट है, कोल्ड लेयर जो है वो अलग है, लेकिन इंतहाई हाई स्पीड और रेल, क्योंकि कोल्ड लेयर के स्विच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर स्विच से ज़्यादा स्पीड होते हैं, वो हाईली रिलायबल होते हैं और हाईली फॉल्ट टॉलरेंट्स होते हैं। कॉस्ट तो इंक्रीज होगी लेकिन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क आ गया। इसको कहते हैं 3 टायर, और 2 टायर में कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड को मिला दिया जाता है, यही डिफरेंस है इम्पोर्टेंट। अब जो एक्सेस है मैं बता चुका हूँ, उसको यूज़र कनेक्ट होता है और एक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर के साथ कनेक्ट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर का क्या काम है स्विच का, कि आप उस पर राउटिंग इम्प्लीमेंट करें, क्वालिटी ऑफ सर्विस करें और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें। ये एग्रीगेट कर लेता है, मिला लेता है लार्ज नेटवर्क्स को और लिमिट करता है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को। इस पर आप VLANs बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर स्विच कनेक्ट टू एक्सेस लेयर एंड कोल्ड लेयर, या एक तरफ तो डिस्ट्रीब्यूटेड कोल्ड लेयर के साथ कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ एक्सेस लेयर के साथ। अब कोल्ड लेयर जो है बड़े हाई स्पीड होते हैं, बैकबोन के तौर पर यूज़ होते हैं और सेवरल लेयर ऑफ नेटवर्क है। कोल्ड लेयर प्रोवाइड फॉल्ट आइसोलेशन, हाई स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी प्रोवाइड आपको करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 3 टायर कैंपस नेटवर्क और 2 टायर कैंपस नेटवर्क, ये मैं बता चुका हूँ। 3 टायर में ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर, यानी इसमें एक्सेस अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच अलग होते हैं और कोर स्विच अलग होते हैं। कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है लेकिन हाईली रिलायबल नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है और हाईली रिलायबल तरीके से ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। और 2 टायर में कोर और डिस्ट्रीब्यूटेड को आपस में मिला दिया जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है लेकिन आपस में वो मिल जाते हैं। अब स्विच नेटवर्क का क्या रोल है, कि नेटवर्क एक फंडामेंटली चेंज फ्रॉम अ फ्लैट ऑफ हब टू स्विच लैन इन हायरार्किकल नेटवर्क्स। हायरार्किकल नेटवर्क का क्या मतलब है, कि यहाँ से एंड यूजर एक्सेस के साथ कनेक्ट है, एक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोर के साथ। इसको हायरार्किकल नेटवर्क कहा जाता है, कि एक प्रॉपर हायरार्किकल है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच है, कि प्रॉपरली हमने एक सीक्वेंस के साथ कोर को डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ कनेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटेड को एक्सेस के साथ कनेक्ट किया और आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क कर दिया और हाई स्पीड नेटवर्क कर दिया। स्केलेबल नेटवर्क बनाने के लिए क्या फीचर्स है, कि आप उसके अंदर रिटर्डेंसी लाएँ, मल्टीपल लिंक्स यूज़ करें, स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करें और वायरलेस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करें, ताकि यूज़र कभी 300 से बढ़कर 500 या 1000 भी हो जाए तो परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना रहे। रिटर्डेंसी का मतलब ये है कि आपने ये जो स्विच कनेक्ट करने हैं, ये देखें यहाँ से इधर भी पात है, यहाँ से भी यूँ पात है, यहाँ से भी पात है, यानी तमाम एक से ज़्यादा लिंक को बिछाने को रिटर्डेंसी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक लिंक अगर फेल हो जाए तो दूसरा जो है वो टेक कर ले, और लूप से बचने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी यूज होता है। रिड्यूस फेलियर डोमेन साइज, अच्छी तरीके से नेटवर्क डिजाइन करेंगे, अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और लिमिट करेंगे साइज ऑफ फेलियर डोमेन को, तो ये इम्पेक्टेड होता है नेटवर्क एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। इन हायरार्किकल डिजाइन मॉडल फेलियर डोमेन्स आर टर्मिनेटेड एट द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। राउटर फंक्शन एज अ गेटवे फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेस लेयर और मल्टीपल लेयर स्विच आर यूजुअली डिप्लॉय इन पेयर इन अ कॉन्फ़िगरेशन रेफर्ड टू एज बिल्डिंग डिपार्टमेंट और स्विच ब्लॉक। ईच स्विच ब्लॉक एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, एज अ रिजल्ट द फेलियर ऑफ सिंगल डिवाइस डज नॉट कॉज द नेटवर्क टू गो डाउन। बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है तो आप ईथर चैनल का यूज़ करें और लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल यूज़ करें। पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है विद प्रैक्टिकल के साथ, कि ईथर चैनल कैसे बनाते। इसके 2 फायदे होंगे ईथर चैनल बनाने के, एक तो बैंडविड्थ डबल हो जाएगी और अगर एक लिंक फेल होगा तो दूसरे पे लिंक के साथ कनेक्टिविटी कायम रहेगी और कोई किसी किस्म का लूप भी नहीं लगेगा और हमें STP प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा जो ब्लॉक कर देता है पोर्ट्स को। आगे आता है कि आपने अपने एक्सेस के लेयर को एक्सपेंड करना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक्सेस पॉइंट लगाएं,
वायरलेस एक्सेस पॉइंट और अपने जितने भी यूजर्स हैं जो मोबाइल फोन लैपटॉप टेबलेट इस्तेमाल करते हैं उसे थ्रू एक्सेस स्विच के यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट कर दें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का, स्केलेबिलिटी का, और इसको वायरलेस लैन कहते हैं। और इसमें वायरलेस की कवरेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितना एरिया तक ये डिवाइसेस जो है रेंज तक अच्छा सिग्नल आएगा। इंटरफ्रेंस कंसिड्रेशन की जाती है और सिक्योरिटी की कंसिड्रेशन की जाती है कि प्रॉपरली पासवर्ड और WPA2 के साथ प्रोटेक्टेड हो। आपने अपने राउटिंग प्रोटोकॉल जो चाह रहे हैं उसको ट्यून करना है OSPF के अंदर। उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो डिफरेंट एरिया में अपने नेटवर्क को डिवाइड कर देना है। एरिया 0 बैकबोन है, और उसके बाद एरिया 1, एरिया 51। और इसके साथ इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आगे कहीं कोई एरिया 2 आएगा तो बड़ी आसानी के साथ स्केलेबल हो सकता है, और यहाँ पे कोई 3 एरिया आएगा तो वो भी बड़ी आसानी के साथ एरिया 0 के साथ, क्योंकि वो बैकबोन एरिया है, उसके साथ आसानी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एरिया इंक्रीज होते जाएंगे, एरिया 0 के साथ कनेक्ट होता जाएगा तो हमारी स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। स्विच के हार्डवेयर पे बात करते हैं। बहुत सारे स्विच हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं स्विच की। स्विच सेलेक्ट करने के लिए आप उसको फॉर्म फैक्टर चूज़ करें, कोर फीचर देखें और सेलेक्ट करें हार्डवेयर के आपकी जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस है उसको मीट करता है। अब एक बिज़नेस स्मॉल है तो उसमें हम तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्विच नहीं परचेज कर सकते, तो अपनी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट, एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट, कितने एंड यूज़र हैं, कौन कौन सी सर्विस चल रही है, उसके मुताबिक हम स्विच को परचेज करते हैं। कैंपस के लिए अगर लैन का स्विच हो तो 3850 सीरीज़ ये नज़र आ रही है हमें, और ये स्पीड और सिक्योरिटी हमारे लिए एक एंटरप्राइज नेटवर्क में इम्पोर्टेंट है। तो हम देख देंगे कि इस मॉडल के अंदर 3850 में क्या सिक्योरिटी और क्या फीचर देता है। और अगर हम क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर जाएं तो सिस्को मेराकी क्लाउड मैनेज एक्सेस स्विच अवेलेबल है, जिसके अंदर वर्चुअल स्टैकिंग है और मॉनिटर कॉन्फ़िगर 1000 ऑफ स्विच पोर्ट ओवर द वेब विदाउट द IT स्टाफ की इंटरवेंशन से हम बहुत सारे जो है वो उसको पोर्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अगला डेटा सेंटर के लिए, कोर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमारे पास सिस्को ने नेक्सियस स्विच बनाए हैं, जो ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। इंतहाई हाई स्पीड है, डेटा सेंटर में इंस्टॉल होते हैं। पोर्ट्स इसकी 48 से लेकर 350 इससे पोर्ट हैं, और इंतहाई हाई स्पीड होते हैं और इंतहाई बैकबोन के तौर पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर अगर सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके अपने भी स्विचेस यहाँ पर ये आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं, और नेक्सियस के वर्चुअल नेटवर्किंग के भी ऑफर करता है ये वर्चुअल नेटवर्किंग, जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डेटा सेंटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी आप स्विच को सिलेक्ट करें तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसका फॉर्म फैक्टर क्या है, उसके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं, फिक्स साइज़ है। फिक्स साइज़ का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी किस्म का थर्ड पार्टी या कार्ड वगैरह या मॉड्यूल अटैच नहीं होगा। अगर वो मॉड्यूलर होंगे जिस तरह ये नज़र आ रहा है, तो अपनी रिक्वायरमेंट अगर आपकी इंक्रीज होगी तो उसमें आप मॉड्यूल स्ट्रक्चर कर सकते हैं। स्टे केबल का मतलब ये है कि रैक में माउंट हो जाएंगे, और नॉन स्टे केबल ये है कि ये नॉन स्टे केबल है, आप उसको वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और उसके लिए रैक की ज़रूरत नहीं है। स्विच जो है वो उसकी थिकनेस को भी आपने देखना है स्विच की, और 1U रैक के लिए आपको 1.75 इन हाइट होना चाहिए, और ताकि वो रैक के अंदर आसानी के साथ माउंट हो जाए। और फिक्स कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट पोर्ट के साथ, आज इनको पोर्ट डेंसिटी कहा जाता है, स्विच अवेलेबल है। 12 पोर्ट का भी स्विच अवेलेबल है, 24 का भी और 48 का भी, और ऑफ कोर्स 48 का ज़्यादा महंगा होगा एज़ कम्पेयर टू 12 के। इसी तरह ये मॉड्यूल्स है, इसके अंदर ये मॉड्यूल्स अटैच हो सकते हैं। 9400 मॉड्यूल है, वो इसके अंदर 384 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जो एक इंतहाई हाई स्पीड नेटवर्क बनाने के लिए काफ़ी है। इसमें जो बैंडविड्थ अभी अवेलेबल होती है वो 100 MB है, 1 GB है, 10 GB है और 100 Gbps है, जो हमें हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है और स्पीड के साथ। आजकल स्विचेस के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है पावर ओवर इथरनेट, यानी इथरनेट पे आप डाटा को भी सेंड करें और पावर को भी। तो हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसके लिए हमें दो दो केबलें लगाने की ज़रूरत नहीं है,
एक पावर की एक डाटा की, एक ही केबल डाटा की काफी होगी। उस पे स्विच उस पावर भी भेजेगा और डाटा भी भेजेगा, जिससे काफी हमारी पावर भी सेव होगी और केबल भी सेव होगी। मल्टी लेयर स्विच उसको कहते हैं जिसके अंदर लेयर टू का भी फंक्शनैलिटी हो, एसिक अप्लाई हो हार्डवेयर में, और उसके अंदर लेयर थ्री का भी जो है वो फीचर अवेलेबल हो, उस पर राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, और उसका ज़्यादा बेनिफिट है। स्विच सिलेक्शन में आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, कॉस्ट का, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कीमती स्विच नहीं खरीदना, देखना है कौन कौन सी सर्विसेज हैं, पोर्ट डेंसिटी 12 पोर्ट का चाहिए या 48 पोर्ट का आपको चाहिए, पीओई आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी रिलायबिलिटी स्विच जो है मुसलसल काम करे, रिलायबल होने चाहिए पोर्ट, रिलायबल पोर्ट की स्पीड कितनी है, जितनी हाई स्पीड पोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा फायदा है, फ्रेम कितना वो बफर करता है, और स्केलेबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट अगर हमारा नेटवर्क एक्सटेंड हो तो उसके अंदर क्या फीचर्स हैं। अब आते हैं राउटर हार्डवेयर की तरफ। राउटर रिक्वायरमेंट, राउटर यूज, नेटवर्क पोर्शन एंड डेस्टिनेशन पोर्शन, राउट पैकेट टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन, राउटिंग का काम देता है राउटर्स, उस पर राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं। सिस्को के बहुत सारे राउटर्स हैं, जिस तरह ISR 4000 सीरीज राउटर्स हैं। ISR कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर, जिसमें सिक्योरिटी के भी फीचर है, वैन के भी फीचर हों, वॉइस ओवर IP के भी फीचर हों, यहाँ पर आपके कार्ड भी अटैच हो सकते हैं, यहाँ कार्ड अटैच हो सकते हैं, यानी काफ़ी उसके अंदर फीचर्स हैं। और इस तरीके से सिस्को के ASR 9000 सीरीज़ आपको नज़र आ रहा है, ये इतना ही हाई स्पीड राउटर्स होते हैं जो कोर डाटा सेंटर में इस्तेमाल होते हैं, और इंतहाई हाई स्पीड बैंडविड्थ देते हैं। ये देखिए 6000 सीरीज का राउटर है, इसका डोर क्लोज है और इसका यहाँ पर डोर ओपन है, और ये सिस्को नेटवर्क कन्वर्जेंस सिस्टम्स के साथ 6000 सीरीज का है। उसके बाद इंडस्ट्री के भी सिस्को राउटर स्विचेस बनाता है 1100 सीरीज का, बड़े रग और हार्श इन्वायरमेंट के अंदर ये काम करते हैं और इंतहाई रिलायबल होते हैं। सिस्को 900 सीरीज छोटा सा एक राउटर है जो छोटी ब्रांच ऑफिस के अंदर कनेक्टिविटी के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। सिस्को ASR 9000 1000 सीरीज एग्रीगेशन सर्विस राउटर्स है, और इसमें प्रोवाइड डेंसिटी एंड रेजिलेंसी विथ प्रोग्रामेबिलिटी, स्केलेबल नेटवर्क एच उसके अंदर यूज़ होता है। राउटर फॉर्म फैक्टर ये है 15500 सीरीज का राउटर्स हैं, जो लार्ज डाटा सेंटर के अंदर आप इनको इंस्टॉल करते हैं, जो हमारे नेटवर्क, वेब सर्विस, वैन सब को, एग्रीगेशन को वो सपोर्ट करते हैं। और ये इंडस्ट्री का सिस्को 800 इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर है, और ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, हार्श इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑपरेट करता है। तो ये था जी आज का नेटवर्क डिज़ाइन, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल स्विचेस के और मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स के मॉडल। तो नेटवर्क डिज़ाइन के वक्त इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, और फॉल्ट टॉलरेंस नेटवर्क बनाएं, 2 टायर 3 टायर का बनाएं, ताकि इंतहाई रिलायबल हो, यूज़र कनेक्ट हो और सीमलेसली कनेक्ट हो जाए, सिक्योरली कनेक्ट हो जाए, और किसी किस्म की उसको कोई डिस्ट्रप्शन नेटवर्क के अंदर महसूस ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर।